सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में। यहाँ पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स को लेके आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट नेवी की तरफ से है। इंडिया की इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत को कुछ मेजर डैमेज हुए हैं, जिसकी वजह से पिछले कुछ महीनों से इसे समंदर में नहीं भेजा गया है। नेवी सोर्सेस का कहना है कि यह ह्यूमन एरर्स की वजह से हुआ है। सोर्सेस के मुताबिक अरिहंत के प्रोपल्शन कंपार्टमेंट में पानी घुसने की वजह से डैमेज हुआ है। नेवी सोर्सेस के मुताबिक बाय मिस्टेक किसी ने अरिहंत की रियर साइड हैच को खुला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इसमें पानी घुस गया था। अभी इसका रिपेयर और क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है। इसके बहुत सारे पाइप्स को काट कर निकाला गया है, जिसको वापस रिप्लेस किया जाएगा। अरिहंत इंडिया की पहली इंडिजीनियस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिसे ATB प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया है। इसी क्लास की टोटल 6 सबमरीन बनने वाले हैं और अरिघट इसी क्लास का दूसरा सबमरीन है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। अगला अपडेट भी नेवी की तरफ से है। नेवी के लिए नए माइनस्वीपर वेसल के लिए साउथ कोरिया के साथ होने वाली डील आखिरी स्टेज में आके कोलैप्स हो गई है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 32,640 करोड़ था और इसके अंदर 12 माइन काउंटर मेजर वेसल बनने वाले थे। ये सारे शिप्स मेक इन इंडिया पॉलिसी के अंदर गोवा सीपयार्ड में बनने वाले थे। ऑफिशियल का कहना है कि ओवर प्राइसिंग की वजह से इस डील को कैंसिल करना पड़ा। माइन वॉरफेयर वेसल को हार्बर में माइन को डिटेक्ट करने और उनको नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी इंडियन नेवी में 6 माइन वॉरफेयर वेसल हैं, जिनको 1970s में रशिया से खरीदा गया था, जो कि 2020 तक रिटायर होने वाले हैं। करंट सिचुएशन में इंडियन नेवी को कम से कम 24 माइन वॉरफेयर वेसल की जरूरत है। डिफेंस सोर्सेज से पता चली है कि माइन स्वीपर्स के लिए एक फ्रेश रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जल्द ही इशू किया जाएगा। रिसेंटली 4 जनवरी को IIT गुवाहाटी ने इंडियन नेवल एकेडमी केरला के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके चलते इंडियन नेवी के कैडेट ऑफिसर जो BTech कोर्स कर रहे हैं, वो IIT गुवाहाटी में सेमेस्टर कोर्स और इंटर्नशिप कर सकेंगे। पहले ही नेवल एकेडमी में सिमिलर IITs के साथ ऐसे MOU साइन किए हुए हैं, लेकिन इस बार वो टेक्निकल एजुकेशन के साथ नॉर्थ ईस्ट के रिच कल्चर और डाइवर्सिटी को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं। कुछ दिन पहले ही नेवल एकेडमी ने IIT मद्रास और IIT गांधीनगर के साथ भी सिमिलर MOU साइन किए हुए थे। अगला अपडेट जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। जम्मू एंड कश्मीर में LOC के करीब रहने वाले लोगों को आए दिन पाकिस्तानी सेलिंग का सामना करना पड़ता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने इन सब से निपटने के लिए 14,460 कम्युनिटी और इंडिविजुअल बंकर्स को बनाने का फैसला किया है, जिनमें 7,298 बंकर्स को पूंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, जबकि 7,162 अंडरग्राउंड बंकर्स को इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जम्मू, कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 415 करोड़ है और इसमें 13,029 इंडिविजुअल बंकर्स और 1,431 कम्युनिटी बंकर्स को बनाया जाएगा। इंडिविजुअल बंकर्स 160 स्क्वायर फीट के होंगे और इसमें एक साथ 8 लोग रह पाएंगे, और कम्युनिटी बंकर्स 800 स्क्वायर फीट के होंगे, जिनमें 40 लोग आसानी से रह पाएंगे। दोस्तों, आज से इंडियन नेवी एक बहुत ही बड़ी नेवल एक्सरसाइज को शुरू करने वाली है, जिसमें इंडियन नेवी अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाने वाली है। इसे वेस्टर्न कोस्ट में कंडक्ट किया जाएगा। इसकी इनॉगरल सेरेमनी में रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हिस्सा लेने वाले हैं। इस प्रोग्राम में 10 से ज्यादा शिप्स हिस्सा लेने वाले हैं, जिनमें INS विक्रमादित्य, एक सबमरीन और नेवी के अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट शामिल हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।